अनदर वीडियो ऑफ रोड रेसर ऋषभ। तो आज इस बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ, और बहुत से लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि V2 भैया बताओ, V2 जो कि डबल डिस्क ब्रेक वाली है, आप लोग देख सकते हो। और पहले मैं ओनर से मिलवा दूँ, जो कि ओनर है, अभी MT चलाने जा रहे हैं प्रिंस भाई अपने। तो इनकी ये बाइक है, और चलो ये आप MT चलाओ, हम तब तक इसको देख रहे हैं। खैर, आप बात करते हैं इस बाइक के बारे में, तो पहले आप लोग बाइक मतलब ऐसे देख लो, और आप शॉट देता हूँ, थोड़े से कुछ शॉट्स देख लीजिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं। शॉट देख लिए होंगे इस बाइक के, तो अब बात करते हैं इस बाइक में। तो पीछे ये टेल टाइडी लगी है इसमें, और ये रैप हुआ है इसके, और ये टेल टाइडी है इसकी, और बाकी ये LED है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब कलर्स में चलती हैं। ऑन करके दिखाता हूँ, अभी ये ब्लू कलर में है, और बाकी जब मतलब इसको टर्न ऑन ऑफ करते हैं तो अलग अलग कलर्स में ही आती है, जैसे कि ये है। बाकी इसको ऑफ कर दे रहे हैं, टैंक पैड लगा है, और ऊपर कैप लगा है इसमें, और इनकी इंस्टाइडी लिखी यहाँ पे, यामा राइडर डेविल। और ये बाइक पूरी रैप हुई है आगे, रिस्पेक्ट फॉर बाइकर्स, और LED आगे इसमें फिट की गई है, और यहाँ पे इसके DRL जो कि ग्रीन कलर में, ओवरऑल ग्रीन में पूरी बनाई गई है, DS स्पीड मास्टर यामा यहाँ पे इन्होंने लिखवाया। और ये जो चीज़ है, ये मुझको थोड़ी सी बेंटन की याद दिलाती है, ओवरऑल आई थिंक भैया होंगे शायद बेंटन के फैन। एनीवेज, और पीछे का जो इसका मडगार्ड है वो इधर से काट दिया गया है पूरे टायर को दिखाने के लिए। और ये जो टायर है, ट्रस्ट मी, इट्स अ निंजा 650 टायर, ये निंजा 650 का टायर है, जो कि कंपनी बता रहा हूँ बजूका का लगा है। बाकी बात करते हैं, इधर की तरफ से क्रैश गार्ड लगे हैं बैक के, और इधर के क्रैश गार्ड पहले लगे थे लेकिन अब वो हट चुके हैं क्योंकि नए लगाने जा रहे हैं। और बात करते हैं मेन मुद्दे पे, तो इसमें लगा है वो है डबल डिस्क ब्रेक। ये डबल डिस्क ब्रेक दिल्ली से करोल बाग से मतलब मॉडिफाई कराए गए थे, और ओवरऑल इसकी जो रैपिंग है वो भी दिल्ली से की गई है। बाकी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो रेस डायनेमिक्स लखनऊ से आई है, जैसे टेल टाइडी हुआ, द मैनिक इन्होंने लिखवा है आगे, रिस्पेक्ट फॉर बाइकर 46। और ये इसके जो क्लच और ब्रेक लीवर, ये मॉक्सी के हैं जो कि कस्टमाइज हैं, और ये आपको जो ओल्ड मॉडल R1 R6 है उसमें मिलते हैं। बाकी रिमोट लॉक है इसमें, और अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। हालांकि चीज़ भाई यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब हाथ जितना फिंगर्स पहुँचे उस हिसाब से आगे पीछे सेट कर सकते हो। बाकी अब स्टार्ट करते हैं, इसको ले चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा ही लगाएंगे, चलते हैं। बाकी मुझको अपनी वाली से ज़्यादा भैया की बाइक चलाने मज़ा आती है, क्योंकि इतनी कस्टमाइज है और ओवरऑल बहुत लोग देखते हैं। और ये चीज़ बता दूं कि ओनली वन है ये पूरे कानपुर में, और किसी के पास आपको ये मिलेगी नहीं। भाई मुझको इनकी वाली अच्छी लगती है, और हमेशा से R15 तो मेरी फेवरेट रही है, बट V2 थोड़ी सी मेरी ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि V2 का जो पीछे का टेल है वो बहुत ज़्यादा औसम लगता है। और आज भी ये बाइक उतनी वैसी चलती है जितनी पहले मतलब चलती थी, उतना पिकअप इसमें आज भी है, और नॉर्मल V2 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पिकअप है मुझको फील होता है। और इसमें थोड़ा सा पिकअप मतलब पिकअप में चेंज किया गया है, इंजन पूरा रिफाइन है जैसे पहले था। बाकी बाइक इनकी हमेशा से मज़ेदार लगती आ रही है, और अब इसमें एक चीज़ और है जो कि भैया करवाने वाले हैं आगे, अपसाइड डाउन सस्पेंशन करवाएंगे, जो आपको KTMs में
मिलता है, और BMW G310 और अपाची RR310 में ऐसी मोटरसाइकिल्स में मिलता है। और फ्रंट ब्रेक तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बट ओवरऑल मज़ेदार बाइक है। हमेशा से मुझको इनकी बाइक बहुत अच्छी लगती है, और जब भी बहरा जाता हूँ लोग इस बाइक को बहुत नोटिस करते हैं क्योंकि ऐसी कस्टमाइज की गई है। ओवरऑल ये बाइक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जो बोलिए आप। हालांकि गियर शिफ्टिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो भैया को भी फील हुई थी, बाकी मुझको भी फील हो रही है। और ये तो खैर अभी वो चेकआउट करा देंगे, मतलब सही सही क्या दिक्कत है। और बाकी बाइक आज भी उतनी स्मूथ है जितनी पहले चलती थी। इनकी बाइक का भैया क्या कहना, जो भी हो, और यहाँ पे भैया की बनियाई, खैर एनीवेज। और जो भी इनको इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं तो इनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मॉडिफिकेशन पूरे कानपुर में एक ही है, और जो डबल डिस्क ब्रेक वाली V2 है वो भी पूरे कानपुर में एक ही है जो कि यहाँ इनके पास मिलेगी। बाकी इंस्टाग्राम लिंक मैं इनकी प्रोफाइल का दे दूंगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। मेरी वीडियो पे पहले भी आ चुके हैं, अगर वो नहीं देखी तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये वीडियो इतनी सी थी, तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।